आप कह रही थी कि आए कुछ और बात करते हैं, तो ये बताएं कि महंगाई का क्या हाल है। बताती हूँ आपको, बताती हूँ। आप मुझे ये बताएं कि क्या सिर्फ पाकिस्तान में महंगाई हुई है? नहीं, पूरी दुनिया ये में। कोविड की वजह से पूरी दुनिया में हुई है, पाकिस्तान में तो पूरी दुनिया की निस्बत बहुत कम हुई है। पूरी दुनिया में और मैडम चीजें बहुत सी होती है, बहुत फैसिलिटीज और होती है, वो पाकिस्तान में नहीं है। तो हम पाकिस्तान के हिसाब से बात करते हैं, तो पाकिस्तान के हिसाब से कम हुई है। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, साउथ कोरिया के अंदर एक शिप का डिजास्टर हुआ था 2014 में, उनके प्राइम मिनिस्टर ने इस्तीफा दिया था उसके ऊपर, ठीक है। इट वॉज एन एक्सीडेंट, एक क्रूज शिप का हुआ था, तो उसका इस्तीफा दिया था। पाकिस्तान में तो ये भी नहीं होता, तो फिर जब पाकिस्तान में ये वाला नहीं फॉलो करे, तो फिर हम आपका वो वाला एग्जांपल को फॉलो करें कि बाहर इतनी महंगाई है। नहीं, तो ऑल ओवर द वर्ल्ड हुई है ना वैसे। आप माशाल्लाह, अब आप पढ़े लिखे बंदे हैं, अगर आप ऐसी बात करें। नहीं, सब इंग्लिश सीख के बैठा हूं यहां पे, इसका मेरा पढ़े लिखे होने से कोई ताल्लुक नहीं है। बात सुनने, बात सुनिए, मुझे एक बात बताएं। आपको याद है कि आपके और मेरी पहली मुलाकात कहां हुई थी? मेले दे तो वोट जी, आप बताइए। आपकी और मेरी पहली मुलाकात हुई थी 2018 में। कहाँ पे हुई थी? शायरा 90 पे। और क्या था वहाँ पे? एक फंक्शन था, शोबिज वाले आए, शोबिज वाले थे जी। और मुझे याद है कि मेरी सीट जो थी वो तकरीबन कोई इस तरफ, मेरे 7-8 विमेन एमपीएस बैठी हुई थी जी। और बिल्कुल कोई अक्टूबर होगा, मेरे ख्याल से भी डेढ़ महीना भी नहीं हुआ होगा पंजाब गवर्नमेंट बने हुए। आपको याद है कि वो 7-8 खवातीन बातें क्या कर रही थी? क्योंकि मैं सबसे करीब था इसलिए मुझे ये आवाज आ रही थी। वो मुझे बाद में पता चला किसी ने मेरी नेम प्लेट उठा के ना इधर कर दी, तो वो जिसने की थी वो तो ले गए मेरी सीट ले गए, मैं खवातीन सेक्शन में बैठ गया। उसके बाद 7-8 एमपीएस थी मेरे साथ। आपको याद है उन्होंने बातें क्या की थी? नहीं, वो मुझे नहीं याद, क्योंकि मैंने अपनी हंसी इसलिए कंट्रोल की हुई थी कि मेरे साथ सीएम साहब की सीट थी और उनके बिल्कुल ऑपोजिट अंजुमन साहिबा बैठी हुई थी। सीएम साहब के साथ थी? हाँ, एक छोड़ के साथ। आप मुझे सीएम समझ रही है, आपकी सीट मेरे साथ थी। इसका रिकॉर्ड में वो तस्वीरें भी मौजूद हैं। अच्छा। कि मेरे साथ जो 7 खवातीन थी, आपने बिल्कुल सही कहा कि अंजुमन साहिबा और सीएम बुज़ार साहब की सीट बिल्कुल आमने सामने थी। और जो कॉन्वर्सेशन उस दिन मैंने विटनेस की थी, जो मुझे आज भी याद है, जिसका मैंने कभी जिक्र नहीं किया और ना मैं ऐसा करूंगा, वो एक मेरी जिंदगी की सबसे इंटरेस्टिंग तरीन कॉन्वर्सेशन थी। जो उन 7 खवातीन ने कॉन्वर्सेशन करके, कमेंट्री चल रही थी मेरे यहाँ पे। क्या कह रही थी? वो मैं नहीं बताऊंगा आपको। इनका चौथा मसला ये है, ये पता नहीं किस दुनिया से यहाँ पर आकर मसलत हो गए। अच्छा, मसला ये है कि ना इनको महंगाई नजर आती है, ना इनको आवाम नजर आती है। इनसे बात करो तो ये अमेरिका की बात करते हैं, इनसे बात करो तो ये चाइना की करते हैं, कभी ये जापान की करते हैं। इनके लीडर की आप बात सुने तो वो भी किसी से ढकी छुपी नहीं है, कैमरों में अक्सर ये चलती रहती हैं उनकी बातें। वो कभी किसी की सरहद किसी से मिला देते हैं। इसी तरह मेरी बहन भी अब कह रही है कि महंगाई तो है नहीं। भाई महंगाई का पूछना है तो इन लोगों से पूछो। महंगाई है, हम ये नहीं कह रहे कि महंगाई नहीं है, महंगाई है और उसको कवर करने की कोशिश भी कर रहे हैं, जिसमें अवाम ने भी हमारा साथ देना है। आप कैसी बातें करते हैं? आप तो सारा दिन होते हैं अपने दफ्तर में, मैं अपने घर की ग्रोसरी खुद करती हूँ। मुझे भी पता है, जब इनका 300 रुपए किलो टमाटर मैं खुद लेके आती हूँ मियां साहब के दौरे हुकूमत की। जो महंगाई की सतह है, हाँ जी, जो पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की कारकर्दगी नाअहली की वजह से जो अवाम परेशान है। आप देखें कि घी का रेट 400 रुपए किलो हो गया, पता है आपको इस बात का? जी, पेट्रोल का रेट 146 पे चला गया, पता है आपको इस बात का? नहीं, तो पेट्रोल के आपके मुझे ये बताएं, दालों का रेट, दालें जो है जो हमारे दौर में 60 से 70 से 80 रुपए किलो तक होती थी, आज वो 250 रुपए किलो क्रॉस कर चुकी है, 350 रुपए किलो तक जा रही है। मुझे ये बताएं, क्या गरीब आदमी ने चारा खाना? आटा आप देखें, 35 रुपए से उठा के आपने 80 रुपए पे बचा दिया है। ठीक है, तो हम अगर इनकी तरह किस चीज की आप ग्रोसरी करती हैं, मुझे ये बताएं। सुने मेरी बात, सुने ताहिर भाई, आप बात जो है ना आप घुमा फिरा देते हैं। आप मुझे ये बताइए कि आप लोग बाहर से कर्जे लेके इधर सस्ता कर देते थे, वही हम जो है कर्जा उतार रहे हैं सूद समेत आपके लिए। मैं ये बात दावे से कह रहा हूँ, चैलेंज करें, चैलेंज करें, चैलेंज के साथ कह रहा हूँ। ये मोबाइल में मेरे डॉक्यूमेंट्री मौजूद है, अभी अभी हम निकाल लेते हैं पंजाब गवर्नमेंट की डॉक्यूमेंट्री। मैं ये कह रहा हूँ, मैं इनको दिखा देता हूँ, आपके भी पास मोबाइल, मैं इनको दिखा देता हूँ कि जो इनकी वजारत खजाना की जो कारकर्दगी रिपोर्ट इस दफा जारी हुई है, जो इनकी प्राइसेस जारी हुई है, जो इनकी प्राइस कंट्रोल कमेटियों ने खुद जारी किया है,
वो इनसे पूछ के देखें कि वहां पर कितने परसेंट महंगाई हुई है। क्या आपने किसी मजदूर की तनख्वाह 15,000 से उठा के 30,000 की है? अच्छा नहीं बाबू, तो आपने भी नहीं की थी। नहीं, हमने की थी। इतनी नहीं की थी सर, ना सर, ना इतनी नहीं। हमने देखे, हम 5.8 पे छोड़ के गए थे। आपने एहसास प्रोग्राम शुरू किया? बिल्कुल किया, बिल्कुल। बेनजीर इनकम सपोर्ट, बेनजीर इनकम सपोर्ट का नाम तक हमने चेंज नहीं किया। हम इन जैसे सिर्फ इश्तेहारी काम नहीं करते, हमने अवाम को मोटरवे बना के दिखाया, हमने अवाम को नए एयरपोर्ट बना के दिखाए, हमने पंजाब का फार्म टू मार्केट रोड बना के इनको दिखाए। पूरे जो हमारे जो बड़े डिस्ट्रिक्ट थे पंजाब के, उनके अंदर हमने मेगा प्रोजेक्ट्स, नए अस्पताल बना के दिखाए, नए कॉलेजेस, नई यूनिवर्सिटियां। मुझे ये बताएं किसी 3 यूनिवर्सिटियों का नाम बताएं जो इनके पंजाब में बनी। आप यहीं पे रुके, एक मिनट, आपके मैन चैलेंजेस से बहुत तंग हूं। आप बताएं आपके जी, मैं करता हूं ना अभी चकवाल यूनिवर्सिटी, ठीक है? अभी मैं देखे नमल यूनिवर्सिटी भी पहले की है। नहीं, आप नमल यूनिवर्सिटी भी काउंट होगी। नहीं नहीं, अभी उसको यूनिवर्सिटी का दर्जा आप दिया गया। नहीं नहीं, यूनिवर्सिटी का दर्जा गलत बात है। देखिए अभी मेरी कमेटी से पास हुई है, इन्होंने जो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज थी, हाँ जी, उनका बिल इन्होंने जल्दी जल्दी में पास करवाए हैं। उनके 6 बिल एक दिन में, गलत बात कर रहे हैं। चौधरी साहब, 6 बिल जो है वो एक दिन में पूरा बिजनेस बुलडोज करके इन्होंने बिल पास करवाए हैं। क्या उस गुनाह में ये शामिल नहीं है? बताएं, नवल यूनिवर्सिटी तुसी बनाई, नवे ताले ते उन्होंने लवाए हैं। अब मैं आपको बताती हूँ, एक्सटेंशन ऑफ पीफ प्रोग्राम फॉर नीडी एंड जो थे बच्चे, मेरिट पे उनको दिया गया। इनके दौर में वो FSC तक थे, हमने उसको PhD प्रोग्राम पे कर लिया। एहसास राशन प्रोग्राम हमने दिया। ये मोटरवे की बात करते हैं, इन्होंने अपनी जेब से बनाई थी, आपका मेरा इनका पैसा था, ठीक है? और यही तो हम कह रहे हैं कि इनका पैसा अपनी जेबों में ना डालें, इनका पैसा इन पर लगाएं। God, how are you? You know, last 3 days, 24-hour day, night, I was in arrival lounge at Allama Iqbal Airport, Lahore. क्यों? Because somebody told me that कि मेरे कायद नवाज शरीफ साहब आ रहे हैं। मैं क्या सब तो पहले मैं उनके दर्शन करूंगा। अच्छा, हाँ, मैं कह जब वहाँ आ जाएंगे तो फिर तो यहाँ टोल धरने की जगह नहीं होगी। इतनी पब्लिक होगी यहाँ पे एयरपोर्ट से लेकर कालाशाह काकू तक, कालाशाह काकू से लेकर फैजपुर इंटरचेंज तक। अच्छा, वहाँ से चूनिया तक सारी शहर होंगे। मैं तो अपने कायद को देख भी नहीं सकूंगा। और लोग जो फूल फेंकेंगे, नोट फेंकेंगे, वो सारे मैं चुक लूंगा। अच्छा, बट उस स्कूटी वाले ने मेनू फड़ लिया। अच्छा, हाँ, मैं ना वो करीन के थले वरिया होया सी, उन्होंने लत्तों तो फड़ के करीसिया, करीस के हल्का जा इंज नहीं किया, इंज करके तो इंज कंध जमा लिया। बस हल्का जा पटाका वजाए, नवा तरीका। हाँ, उन्होंने कहा वाई यू आर हेयर, मैं क्या मेरे लीडर आ रहे ने। अच्छा, कहने ने वैन, मैं क्या ये तो मैं किसी ने पूछे ही। फिर मैंने याद आया कि तुहाडे कोल गेस्ट आंदे ने, मैनू ना एग्जैक्ट डेट लै दियो। एग्जैक्ट डेट तो नहीं, वो हमारे पास आए हैं, उनकी पार्टी को कह रहे हैं। आई डोंट सर, आई लव दिस। अगले महीने आ रहे हैं, अगले महीने आ रहे हैं। मैं कहा जी इन्हां नूं मुबारक दियो, जड़े अंग्रेज बाहरों साडे पाकिस्तान काम करन आने से पहला आ गया जी, मुबारक दियो इन्हां नूं। अंग्रेज आ गया, मियां फिर भी नहीं आए। मिया जदू आएगा लग पता जाएगा। मिया जदू आएगा सीधा जेल जाएगा। हमने पहले भी जेलें काटी हैं। आपके लीडर की तरह दीवारें फलांग के नहीं भागे, पहले भी जेलें काटी हैं। चलिए जेलां कटियां जांदे सा, बीमार हो जांदे हो, प्लेटां तले डिग जांदे हो। वो तो इंसान, अब आपके साथ ये इशू बना है तो इसमें कौन सी ऐसी बात। मैं तो मुल्क छोड़ के नहीं भागी, मैं तो इधर ही हूँ। जादू कौन आएगा? वो चंपाओ, वो चंपाओ, वो चंपा के जी मियाँ सब बुलाओ, मियाँ दिन आ रहे। वो चंपाओ मेरे लीडर ग्रेट जदों दे बाहर गए ने, राज की रोटी नहीं खाती। ये तो हम अभी रोटी खाने की नहीं पाती जने। पीटी है। माई लव इमरान खान। नहीं मैं क्या देखूं? इधर मतलब तोड़ा रोटी खान दा प्रोग्राम नहीं है। ये बाजरे खान दा
प्रोग्राम ना होता तो तीन दिन में मियां साहब का इंतजार करता। अच्छा मजे की बात है, कह दोनों रहे हैं, दे कोई नहीं रहा। नहीं एग्जैक्ट डेट मैंने चाहिए, इन्होंने तो हम बड़े लूट ले, इन्होंने तो चाहिए कापियां काट के दें। ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਐਗਜੈਕਟ ਡੇਟ ਚਾਹੀਦੀ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਭਰਾ ਦੀ ਮੰਗ, ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੇ 5000 ਤੋਂ ਘੱਟ ਦਾ ਨੋਟ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਗੁੱਡ। ਹੋਏ ਹੋਏ ਹੋਏ, ਯੂ ਸੀ ਦੈਟ, ਦੇ ਦਿਓ ਮੈਂ ਕੱਢ ਲਾਂਗਾ। ਇਹ ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਸਾਨੂੰ ਹੀ ਆ, ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਯੂ ਸੀ ਦੈਟ।